सो फ्रेंड्स, जैसे अभी आप देख रहे हो नो सिग्नल का जो एरर आता है स्क्रीन पर, हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। अब ये जो एरर आता है स्क्रीन पर, इसके दो टाइप के प्रॉब्लम होते हैं। पहला प्रॉब्लम तो हो सकता है आपके सीपीयू में हो, दूसरा प्रॉब्लम हो सकता है आपके एलईडी में हो। तो दोनों भी प्रॉब्लम को हम देखने वाले हैं। आज की वीडियो में हम लोग जो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वो सीपीयू लेवल का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, मतलब सीपीयू से प्रॉब्लम है, एलईडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एलईडी वर्क कर रहा है या स्क्रीन आपका वर्क कर रहा है, सीपीयू में जो इश्यूज आते हैं उन्हें कैसे सॉल्व करेंगे। तो टोटल फ्रेंड हम लोग 10 सॉल्यूशंस देखने वाले हैं कि कौन से 10 सॉल्यूशन आप अप्लाई कर सकते हो। सो हम बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं, सबसे माइनर सबसे छोटा प्रॉब्लम क्या होता है, और 10 नंबर पे हम जो देखेंगे वो सबसे मेजर प्रॉब्लम रहेगा कि सबसे मेजर लेवल पे क्या प्रॉब्लम होता है जिसकी वजह से इस तरह का एरर आता है या आपके एलईडी पर कुछ नहीं दिखता है। जैसे आप देख रहे हो पीसी अभी चालू है, यहाँ पे लाइट आ रहा है, इसे ट्रबल शूट स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टेक्नो सर्च, मैं जुबैर शेख आप सबका स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल आइकन पर जरूर क्लिक करो ताकि आपको ऐसी ही टेक्निकल वीडियोस की अपडेट आगे भी मिलती रहे। अगर चैनल के वीडियोस और इन्फॉर्मेशन से आपको आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद मिलती है तो आप चैनल के लिए कोई डोनेशन कर सकते हो। डोनेशन के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो। सो फ्रेंड, अगर आपके पीसी पर इस तरह का एरर आता है तो सबसे पहली स्टेप आप क्या करोगे, सबसे पहले आप ये कंफर्म कर लोगे कि आपकी एलसीडी में प्रॉब्लम है या कंप्यूटर में, इस सीपीयू में प्रॉब्लम है या कैबिनेट में प्रॉब्लम है। तो उसे कंफर्म आप कैसे करोगे, उसे कंफर्म करने के लिए आप सबसे पहले सीपीयू आपका रिस्टार्ट करेंगे एक बार। जैसे अभी मैंने इस सीपीयू को बंद कर दिया है, इसे हम वापस से स्टार्ट कर रहे हैं, और स्टार्ट होने के बाद आप चेक करोगे कि आपका जो कीबोर्ड है, कीबोर्ड का जो नंबर लॉक का एक बटन होता है इसे आप प्रेस करोगे तो यहाँ पे लाइट आना चाहिए। अगर आपके कीबोर्ड में लाइट आ रही है मतलब आपका सीपीयू ओके है, एलईडी की साइड से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो पहली स्टेप में आपको ये कंफर्म हो जाएगा नंबर लॉक का लाइट आना चाहिए या जो टैप का बटन होता है इसे आप जब प्रेस करते हो तो यहाँ पे लाइट आना चाहिए या यहाँ पे किसी किसी कीबोर्ड में लाइट होते हैं वो आना चाहिए। अगर लाइट्स नहीं आ रहे इसका मतलब है कि आपके सीपीयू में प्रॉब्लम है, अगर लाइट आ रहा है तो आपकी एलसीडी की साइड से प्रॉब्लम। तो हमने कंफर्म कर लिया कि जो प्रॉब्लम है वो सीपीयू की साइड से है, तो हम सीपीयू को ट्रबल शूट करने वाले हैं। अब जो पहला ट्रबल शूटिंग आपको करना है, आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि जो आपका सिस्टम का एसएमपीएस होता है जो कि सिस्टम के बैक साइड में होता है, मैं आपको थोड़ा सा टर्न करके दिखाता हूँ। जब आप सिस्टम को ऑन करते हैं तो आपका ये फ़ैन घूमना जो कि एसएमपीएस का फ़ैन होता है ये घूमना चाहिए या इसके घूमने की आवाज़ आपको आना चाहिए। अगर ये आवाज़ नहीं आ रही है या ये फ़ैन नहीं घूम रहा है तो उस केस में जो पहली ट्रबल शूटिंग आप करोगे, आप एक दूसरी पावर केबल लोगे जैसे कि ये केबल है, और इस केबल को चेंज करोगे। ये यहाँ से जो पावर यूनिट में केबल लगी हुई है, यहाँ पर जो केबल लगी हुई है इस पावर यूनिट में, इस केबल को आप चेंज करोगे जिससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। आपका एसएमपीएस चलना चाहिए, ये वर्किंग में रहेगा तभी आपके पीसी को पावर सप्लाई मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। आप हमारा एसएमपीएस चल रहा है फिर भी हमारा सिस्टम नहीं चालू हो रहा है तो हम आते हैं दूसरी ट्रबल शूटिंग स्टेप पर। दूसरी स्टेप में आपको क्या करना है, जो आपका एसएमपीएस है, इस एसएमपीएस के जो कनेक्शन आपकी मदरबोर्ड पे लगे हुए हैं उन कनेक्शन को एक बार निकाल कर वापस से लगाना है। ये पहला कनेक्शन हो गया जो मेन मदरबोर्ड को पावर सप्लाई कर रहा है, और दूसरा कनेक्शन एक और होता है जो 4 पिन या 6 पिन का होता है, जैसे कि ये पिन होती है, ये डिस्प्ले के लिए होता है स्पेशली। तो ये दोनों पिन को आप एक बार निकाल कर वापस से लगाएंगे और उसके बाद वापस से हम पावर सप्लाई का बटन प्रेस करेंगे और ये सिस्टम स्टार्ट हुआ है, लेकिन देखते हैं यहाँ पर डिस्प्ले आता है या नहीं आता है। अभी भी ये इशू हमारा सॉल्व नहीं हुआ है जबकि हमने एसएमपीएस के कनेक्शन निकाल कर दोबारा लगाया मदरबोर्ड पर। अब तीसरी ट्रबल शूटिंग आपको ये करना है कि आपको एसएमपीएस चेंज करना है। तो एसएमपीएस चेंज करने के लिए यहाँ पर मेरे पास एक दूसरा एसएमपीएस है जो कि इसी तरह के टावर कैबिनेट का है। इस एसएमपीएस को मैं कैबिनेट के ऊपर लगाकर टेस्टिंग करूँगा कि इस एसएमपीएस पर अगर हमारा डिस्प्ले आता है या हमारा कीबोर्ड में नंबर लॉक का एलईडी आ जाता है तो हमारा ट्रबल शूटिंग हो जाए। तो फ्रेंड्स, इस ट्रबल शूटिंग के लिए हम लोग पुराने एसएमपीएस को सबसे पहले खोल लेते हैं मदरबोर्ड से, और हमारा जो नया एसएमपीएस है और हमारे पास जो दूसरा एसएमपीएस है अल्टरनेट एसएमपीएस, उस एसएमपीएस को हम यहाँ पर कनेक्ट करते हैं। तो हम लोगों ने इस एसएमपीएस को निकाल लिया है, अभी यहाँ पर ये जगह एम्प्टी है, यहाँ पर हम ये वाला एसएमपीएस इंस्टॉल करेंगे। तो ये एसएमपीएस हमने यहाँ पे दूसरा लगा दिया है, और इसके जो कनेक्शन है ये कनेक्शन आपको बिल्कुल उसी तरह लगाना है जैसे पहले एसएमपीएस के लगे हुए थे। तो जो लॉक वाला हिस्सा होता है वो आप लॉक वाले हिस्से की तरफ ही उसे फिक्स करके लगाएं। अभी एसएमपीएस हमारा लग चुका है, हम इसे बैक साइड से पावर के कनेक्शन देंगे। अब हम वापस से पावर बटन को प्रेस करेंगे और सिस्टम चालू हुआ है, आप आवाज़ सुन सकते हो, फ़ैन की आवाज़ आ रही है, लेकिन यहाँ पर अभी तक नो डिस्प्ले आ रहा है। और कीबोर्ड पर अगर हम चेक करेंगे तो कीबोर्ड पर भी कोई लाइट नहीं आ रहा है कीबोर्ड के ऊपर। अब हम 4 नंबर की ट्रबल शूटिंग करें, क्योंकि यहाँ पर अभी तक जो 3 ट्रबल शूटिंग स्टेप्स हमने फॉलो किए हैं इसमें हमारा इशू सॉल्व नहीं हुआ है। तो
तो चार नंबर की ट्रबल शूटिंग में हम रैम के जो स्लॉट्स है वो एक बार चेंज करेंगे। तो हम यहाँ पर सिस्टम को वापस से एक बार बंद कर देते हैं। मोस्टली हर सिस्टम में एक से ज़्यादा रैम के स्लॉट होते हैं और कुछ कुछ सिस्टम में एक से ज़्यादा रैम भी लगी होती है। तो यहाँ पर मेरे पास एक ही रैम लगी हुई है, तो अगर आपके पास एक से ज़्यादा रैम है तो आप उन सारी रैम्स को निकाल लें, सिर्फ एक ही रैम आप सिस्टम पे कनेक्ट रखें और उसी पर चेक करें। अगर उस रैम में भी आपको नहीं प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो रहा है तो आप उस रैम के स्लॉट को चेंज करें। जैसे कि ये अभी अपर स्लॉट में रैम लगी हुई थी, हम इसे लोअर स्लॉट में लगा रहे हैं और लोअर स्लॉट में लगाने के बाद हम उसे लॉक कर देंगे दोनों भी तरफ से। इसके बाद हम वापस से एक बार सिस्टम को स्टार्ट करेंगे और अभी सिस्टम स्टार्ट हो चुका है लेकिन स्टिल यहाँ पर कोई डिस्प्ले नहीं आया है। नंबर लॉक के बटन पर भी अगर आप क्लिक करोगे या चेक करोगे तो यहाँ पर आपको कोई एलईडी नहीं दिख रहा है। अब इसी ट्रबल शूटिंग में एक स्टेप आप और ऐड कर सकते हो। आपके पास अगर कोई एक्स्ट्रा रैम है, जैसे कि यहाँ पे मेरे पास एक एक्स्ट्रा रैम है सेम मॉडल की, एक नहीं एक से ज़्यादा है, तो मैं रैम भी चेंज करके देख लेता हूँ यहाँ पर। तो हम सिस्टम को बंद करते हैं, जो हमारी सिस्टम में लगी हुई रैम है उस रैम को निकाल कर साइड में रख देते हैं और दूसरी रैम हम यहाँ पर लगाते हैं। पहले उसी स्लॉट में लगाते हैं जिस स्लॉट में रैम लगी हुई थी। हो सकता है रैम खराब होने की वजह से भी आपको प्रॉब्लम आता है। अब हम वापस से सिस्टम को ऑन करते हैं और देखते हैं कि आपकी बार डिस्प्ले हमें मिलता है या नहीं मिलता है। नंबर लॉक की को हम कंटिन्यू प्रेस करते रहेंगे ताकि अगर लाइट आती है तो पता चल जाए। तो इस ट्रबल शूटिंग में भी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है, तो हो सकता है आपका भी ना हो। तो हम इसके आगे की जो पाँचवा जो ट्रबल शूटिंग स्टेप है वो हम यहाँ पर ट्राई करने वाले हैं। उसके लिए हम वापस से सिस्टम को एक बार बंद करेंगे। अब सिस्टम बंद करने के बाद आपको मदरबोर्ड पे इस तरह का बैटरी देखना है, इसे सीमॉस बैटरी कहते हैं। तो सीमॉस बैटरी जो होता है आपके सिस्टम पे अगर लगा हुआ है तो आप सीमॉस बैटरी को निकाल दें और सीमॉस बैटरी को निकाल कर आप सिस्टम स्टार्ट करें और देखें कि आपका डिस्प्ले आता है या कीबोर्ड पर लाइट आता है नहीं आता है। मोस्ट ऑफ द टाइम सीमॉस बैटरी डिस्चार्ज होने की वजह से भी प्रॉब्लम आता है। और अगर आपकी बैटरी डिस्चार्ज है आप इसे जबान पर लगा कर चेक कर सकते हो। अगर ये आपको थोड़ा सा हल्का सा करंट लग रहा है मतलब बैटरी चार्ज है, और अगर नहीं लग रहा है करंट तो बैटरी डिस्चार्ज है। इन दैट केस आप बैटरी चेंज कर सकते हो। तो ये सीमॉस बैटरी 10 से 20 रुपये में आपको मिल जाएंगी, किसी भी घड़ी की दुकान पे आपको मिल जाएंगी। तो मेरे केस में मैंने यहाँ पे नई बैटरी लगाया है। स्टिल मैं आपको बता रहा हूँ कि सीमॉस बैटरी को निकाल कर हम एक बार चेक करेंगे। अब हम सिस्टम को वापस एक बार स्टार्ट कर रहे हैं ताकि चेक करें भाई डिस्प्ले आता है या नहीं आता है। नंबर लॉक का लाइट भी नहीं आ रहा है कीबोर्ड पर। सो इस ट्रबल शूटिंग में भी ये इशू मेरे पास सॉल्व नहीं हुआ है, आपके पास भी नहीं होगा। तो उसके आगे की ट्रबल शूटिंग हम लोग चेक करते हैं जो कि 6 नंबर का ट्रबल शूटिंग स्टेप है। तो 6 नंबर की ट्रबल शूटिंग के लिए हम वापस से सिस्टम को बंद करते हैं एक बार। और सिस्टम बंद करने के बाद आपको क्या करना है, जो CPU फैन होता है इस तरीके का फैन आपको मिलेगा आपके सिस्टम की मदरबोर्ड पे। अगर आपका असेंबल सिस्टम है तो बिल्कुल इस तरह होगा। अगर आपका ब्रांडेड सिस्टम है डेल HP लेनोवो फुजित्सु या किसी और कंपनी का अगर सेम आपका कैबिनेट होगा तो हो सकता है उसमें कुछ अलग डिज़ाइन मिले। तो दोस्तों इस फैन को खोलते कैसा है ये मैंने मेरी पिछली वीडियो में भी बताया था, अगर नहीं देखा आपने तो अभी तभी देख सकते हो। इसमें आपको देखिए इस तरह का एक माइनस थ्रेड मिलता है। तो इस तरह के फैन आते हैं, इन्हें लॉक वाले फैन कहते हैं। तो इन्हें आप सिंपली इस तरीके से अनलॉक कर सकते हो। आप एरो देख रहे हो यहाँ पे, एरो दिखाया गया है घुमाने का। तो ये चारों भी जो लॉक्स होते हैं फैन के, उन फैंस के लॉक को आपको अनलॉक कर देना है। अनलॉक की तरफ उसे घुमाकर अनलॉक कर देना है। आप इसे हाथ से भी घुमा सकते हो, अगर ये ज़्यादा टाइट है तो आपको इसको ड्राइवर की ज़रूरत पड़ेगी। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ इसको ड्राइवर से ताकि मैं अगर सिस्टम में हाथ से इसे अनलॉक करूँगा तो आपको वीडियो नहीं दिखेगा। तो ये चारों भी अनलॉक पोजीशन पे आ चुके हैं। अब इसके बाद सिंपली आपको क्या करना है, इन लॉक्स को ऊपर की तरफ खींचना है। इस तरीके से ऊपर की तरफ खींचना है आपको। चारों लॉक जब ऊपर की तरफ आप खींच दोगे उसके बाद फैन आपका सिंपली ऊपर आ जाता है। थोड़ा सा प्रेशर लगाने की भी जरूरत पड़ सकती है क्योंकि ये बहुत ही रेयर टाइम इसे खोलने की जरूरत पड़ती है। यहाँ पर इसका एक पावर कनेक्शन होता है मदरबोर्ड पे, इसे आपको स्मूथली निकाल लेना है। तो ये फैन आपका अलग हो जाता है। अब आप देख रहे हो इस फैन में कितनी धूल मिट्टी वगैरह जमा है जिसकी वजह से एयर पास नहीं हो पाती और प्रोसेसर को आपके हवा नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से भी आपका डिस्प्ले या कंप्यूटर काम करना बंद कर देता है। तो इस केस में आपको क्या करना है, आपको एयर ब्लोवर जो आता है उस ब्लोवर से आप इस फैन को साफ कर सकते हो और प्रोसेसर के ऊपर भी आप एयर प्रेशर से इस धूल को उड़ा सकते हो। बट आप प्रोसेसर को ऐसे ही रखकर एयर प्रेशर करें, क्योंकि अगर आप प्रोसेसर निकाल दोगे तो प्रोसेसर के नीचे जो प्रोसेसर सॉकेट होता है उसकी पेंस में धूल जाके बैठ सकती है। तो यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान से काम करें। मैं इसे क्लीन कर लेता हूँ, उसके बाद फिर हम चेक करेंगे कि अभी डिस्प्ले आता है या नहीं आता। तो फ्रेंड देखिए मैंने इस प्रोसेसर को क्लीन कर दिया है। आपको ये कितना क्लीन दिख रहा है, आपने पहले का इसका वीडियो देखा।
कि कितनी धूल मट्टी थी, और फैन को भी मैंने क्लीन कर दिया, देखिए फैन भी कितना क्लीन दिख रहा है। तो अब आप इस फैन को वापस से लगा सकते हो। लेकिन एक चीज और है, जो प्रोसेसर के ऊपर ये इस तरह का कुछ लिक्विड लगा होता है इस फैन के नीचे, जिसे कूलिंग पेस्ट कहते हैं, और इस एरिया पर लगा होता है, इसे हीट सिंक कहते हैं। तो ये हीट को एब्जॉर्ब करता है और उस हीट को बाहर फेंकता है इस पंखे की मदद से। तो अगर ये कूलिंग पेस्ट आपका ड्राई हो जाता है, इन दैट केस भी आपका सीपीयू वर्क नहीं करता और सीपीयू आपका ज़्यादा हीट होने लगता है, तो अगर ये कूलिंग पेस्ट आपका ड्राई हो चुका है तो ये आप वापस से लगा सकते हो। कूलिंग पेस्ट 10 से 20 रुपए का आता है, अगर आप मार्केट में उसे लेने जाओगे तो वो भी आप लगा सकते हो। अगर वो नहीं मिलता है आपको, तो उस केस में आप एक जुगाड़ टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हो, जो कि आपके घर में मिल जाएगा आपको। टूथपेस्ट जो होता है, उस टूथपेस्ट को आप यहाँ पर लगा सकते हो, बहुत ही थोड़ा सा आप उसे लगाएं, बिल्कुल इतना लगाएं कि वो इस पर ड्राई हो जाए। जैसे कि अभी आप इस हिस्से पर देख रहे हो कितना कम ये कूलिंग पेस्ट लगा हुआ है, तो उतना ही आप उस पर लगाएं। बहुत ज़्यादा आप लगाओगे तो आजू बाजू के जो पार्ट्स हैं उन पार्ट्स पर चला जाएगा। अब इस फैन को वापस कैसे फिट करना है, इस फैन को आपको वापस से जो अनलॉक पोजीशन है उस पर लेकर आना है। ये चारों भी लॉक्स को अनलॉक पोजीशन पर लाना है, और उसके जो नीचे का हिस्सा होता है, इन हिस्सों को आपको थोड़ा सा प्रेस कर देना है। ये मोस्टली फैल जाते हैं बहुत ज़्यादा टाइम लॉक रहने की वजह से। तो इस फैन के नीचे साइड में एक और एक हिस्सा होता है, जो कि ये हिस्सा होता है, ये वाला जो हिस्सा होता है, इस हिस्से को आपको प्रेस करना है ताकि आपका जो फैन है वो अंदर की तरफ लॉक हो जाए, जैसे कि आप देख रहे हो मैं यहाँ पे। और इन हिस्सों को पैक करने के बाद आपको ये ऊपर का जो हिस्सा है, ऊपर का जो लॉक होता है, इस लॉक को भी आपको प्रेस कर देना है, जैसे कि मैं प्रेस कर रहा हूँ। बिल्कुल स्ट्रेट प्रेस करना है, टेढ़ा नहीं होना चाहिए, टेढ़ा अगर करोगे आप लॉक को तो टूट सकता है। और इसका जो पावर का कनेक्शन है, उस पावर के कनेक्शन को आपको वापस उसी जगह पे लगा देना है जहाँ से आपने उसे निकाला था। अब हम वापस से पावर बटन यहाँ पर प्रेस कर रहे हैं। सिस्टम स्टार्ट हो चुका है, आपने आवाज़ सुन ली है सिस्टम की। अब देखते हैं कि यहाँ पर डिस्प्ले आता है, नंबर लॉक का लाइट तो यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो इस केस में भी हमारा इशू सॉल्व नहीं हुआ है, हो सकता है आपका भी नहीं हुआ हो। तो इसके आगे की ट्रबल शूटिंग हम लोग करने वाले हैं, जो कि 7 नंबर की ट्रबल शूटिंग है। तो फ्रेंड्स, 7 नंबर की जो ट्रबल शूटिंग है, इसमें आपको क्या करना है, आपको ये चेक करना है कि आपका सीपीयू जो है वो हीट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इस ट्रबल शूटिंग को आप उसी टाइम कर ले जब आप फैन आपने निकाला हो। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आए। तो आपको क्या करना है, सिंपली आपके इस फैन को निकालना है, जो कि आपने इसके पहले के स्टेप में निकाला होगा। तो उसी टाइम आपको क्या करना है, फैन को नहीं फिट करना है, आपको फैन फिट किए बगैर आपके सिस्टम को स्टार्ट करना है, और आपके सीपीयू पर आपको उंगली रखकर चेक करना है कि सीपीयू गर्म हो रहा है या नहीं हो रहा है। वो 5 से 10 सेकंड के अंदर या 15 सेकंड के अंदर गर्म होना स्टार्ट हो जाता है सीपीयू। अगर वो गर्म हो रहा है मतलब सीपीयू काम कर रहा है आपका, अगर वो गर्म नहीं हो रहा है मतलब आपका सीपीयू शॉर्ट हो चुका है या मदरबोर्ड शॉर्ट हो चुका है, जिसकी वजह से सीपीयू हीट नहीं हो रहा आपका, और आपको सीपीयू या मदरबोर्ड बदलना पड़ सकता है उस केस में। तो वो स्टेप आपको पहले ही करना है, मैंने आपको इसलिए बताया ताकि 1 बाय 1 आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अगर सिर्फ फैन क्लीन करने से आपका इशू सॉल्व होता है तो आपको सीपीयू को खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड, सीपीयू हम लोग कैसे निकालेंगे, उसके लिए सबसे पहले आपको फ़ैन निकालना है, फ़ैन निकाल कर साइड में रख देना है। और सीपीयू में अलग अलग तरह के लॉक होते हैं, ये सेकंड जनरेशन का सीपीयू है तो इसमें लॉक थोड़ा सा अलग है, हो सकता है आपके सीपीयू में कुछ अलग टाइप का लॉक। सीपीयू के लॉक को अनलॉक करने के बाद आपको सीपीयू को 2 कॉर्नर से पकड़ना है, आपको जो नीचे वाला हिस्सा है उस हिस्से पर हाथ नहीं लगाना है, बिल्कुल इस तरीके से उठाना है आपको सीपीयू को। ये वाला जो हिस्सा है ऊपर के जो डॉट्स आपको दिख रहे हैं, इस पर हाथ नहीं लगना चाहिए, इस सरफेस पर आपका हाथ या फिंगर या कोई भी बॉडी पार्ट नहीं लगना चाहिए, इसकी वजह से ये खराब हो सकता है ये जो सरफेस। तो मोस्टली आपको यही चेक करना है कि आपका सीपीयू हीट हो रहा है या नहीं। मैंने ऑलरेडी चेक कर लिया है, ये हीट हो रहा है। तो इन दैट केस अगर ये प्रोसेसर हीट हो रहा है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आगे की ट्रबल शूटिंग स्टेप ट्राई कर सकते हो। और अगर ये हीट नहीं हो रहा है तब आपको प्रोसेसर चेंज करना है, दूसरा आप सेम मॉडल का प्रोसेसर आप लगा सकते हो या सेम जनरेशन का प्रोसेसर आप लगा सकते हो। अगर आपको सीपीयू का मॉडल नहीं पता है तो आप उसे गूगल पर एक बार चेक कर सकते हो, इस हिस्से पर मॉडल नंबर लिखा होता है। इस सीपीयू का जो मॉडल है इंटेल कोर i3 3210 का मतलब है ये थर्ड जनरेशन का प्रोसेसर है। तो मैंने इस पर ऑलरेडी दूसरा प्रोसेसर इस मदरबोर्ड पर चेक कर लिया है। तो सीमॉस जंपर रिसेट करने के बाद भी ये इशू नहीं सॉल्व हुआ है, हम उसे वापस से उसकी पोजीशन पे लगा देंगे सीमॉस जंपर को, और उसके बाद एक बार चेक करेंगे। मैंने जंपर को अभी पहली वाली पोजीशन पे लगा दिया है। अब सिस्टम को यहाँ पर हम ऑन कर रहे हैं, और सिस्टम ऑन होने के बाद मैं यहाँ पर प्रोसेसर को भी चेक कर लूँगा कि भाई ये हीट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आपको इस तरीके से चेक करना, देखिए गर्म होना स्टार्ट हो गया प्रोसेसर, तो आप उसी टाइम पर सिस्टम को बंद कर सकते हो। अगर आप उसे चालू रखोगे तो हो सकता है कि आपका सीपीयू शॉर्ट भी हो सकता है ज़्यादा देर चालू रहने की वजह से और गर्म होने की वजह से। तो यहाँ पर डिस्प्ले नहीं आ रहा है तो ये सॉल्यूशन में भी हमारा काम नहीं हुआ है। हम नेक्स्ट सॉल्यूशन पे जाते हैं, जो कि 9 नंबर का सॉल्यूशन। 9 नंबर की ट्रबल शूटिंग में आपको क्या करना है, आपको जो मदरबोर्ड है आपका
उस मदरबोर्ड को आपको कैबिनेट से बाहर निकाल लेना है। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले SMPS के कनेक्शन को निकालना है, क्योंकि ये पावर के कनेक्शंस होते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग कनेक्शंस मिल सकते हैं, जैसे कि आपको जो कैबिनेट में फ्रंट में USB पिंस होते हैं उसके कनेक्शन भी यहीं होते हैं, फ्रंट में जो ऑडियो के पिंस होते हैं उसके कनेक्शन भी यहीं होते हैं, और फ्रंट में जो आपके पावर का बटन, रिस्टार्ट का बटन और हार्ड डिस्क की जो लाइट शो होती है, अगर कोई मेमोरी कार्ड या कार्ड रीडर का स्लॉट है आपके कैबिनेट में, उसके वायर्स भी यही होते हैं, उसके कनेक्शन भी यही होते हैं। तो ये सारे कनेक्शन आपको निकाल लेना है। निकालने से पहले आपको ध्यान देना है, जब आप कनेक्शन निकालो तो आप देख लो उस पर क्या लिखा है ऑडियो कनेक्शन, हमने यहाँ से निकाला है। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, या बहुत सी मदरबोर्ड में लिखा हुआ भी आता है, जैसे यहाँ पर देखिए आपको लिखा हुआ आ रहा है USB और यहाँ पर आपको लिखा हुआ आ रहा है ऑडियो, तो आपको यहाँ पर ऑडियो के कनेक्शन लगाने हैं, यहाँ पर USB के कनेक्शन लगाने हैं। और ये जो अलग अलग पिंस आपको मिल रही है, ये फ्रंट पैनल की पिंस है, ये भी आपको देख लेना है कि भाई कौन सी पिन कहाँ पर लगी हुई थी, तो बाद में आपको दिक्कत नहीं होगी लगा। अब आपको इस मदरबोर्ड को बाहर निकाल देना है कैबिनेट के, और बाहर निकालने के बाद उसे एक बार चेक करना है। अगर बाहर निकालने के बाद डिस्प्ले आता है तो उसको आप कैबिनेट में वापस से फिक्स कर सकते हो। कैसे फिक्स करना है वो हम डिस्प्ले आने के बाद देखेंगे, क्योंकि आप मदरबोर्ड को एज इट इज़ कैबिनेट में फिट कर दोगे तो वापस से डिस्प्ले चला जाएगा। तो कैबिनेट में फिट रहते हुए मदरबोर्ड का डिस्प्ले कैसे आएगा या कंप्यूटर कैसे चालू होगा, वो भी एक ट्रबल शूटिंग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद देखेंगे। तो फ्रेंड्स, मदरबोर्ड को ओपन करने के लिए आपको यहाँ पे कुछ स्क्रूज मिलेंगे, जैसे कि ये एक स्क्रू है, यहाँ पर एक स्क्रू दिया हुआ है, और आपको ऐसे 4 से 5 स्क्रूज हर मदरबोर्ड पर आपको मिलेंगे जो कैबिनेट में उसे फिक्स करके रखते हैं। तो सबसे पहले ये स्क्रूज आपको खोलना है, उसके लिए आपको प्लस वाला स्क्रू ड्राइवर लगेगा, जिसका प्लस टाइप में जिसका पॉइंट होता है। मैग्नेटिक वाला अगर आप स्क्रू ड्राइवर यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर होगा, कि उससे आपके स्क्रूज गिरेंगे नहीं आपके कैबिनेट में। तो मोस्टली ये मदरबोर्ड हमारा यहाँ पर खुल चुका है, और आप इसे इस तरीके से बाहर निकाल सकते हो, जैसे कि हमने यहाँ पे इसे निकाल लिया है। अब मैं इस कैबिनेट को साइड में हटा देता हूँ, फिर उसके बाद हम इसे कनेक्ट करेंगे, और कनेक्ट करने के बाद हम इस पर एक बार डिस्प्ले चेक करेंगे। सो फ्रेंड्स, हमने ये मदरबोर्ड को यहाँ पर खोल लिया है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर इस मदरबोर्ड पर आपको ये CPU फैन फिक्स कर लेना है। CPU फैन आपने फिक्स कर लिया, उसके बाद वापस से आप डिस्प्ले के कनेक्शन कर दें, यहाँ पे कीबोर्ड के कनेक्शन कर दें। सबसे लास्ट में आपको यहाँ पे पावर के कनेक्शन करना है, जो SMPS से आप का पावर सप्लाई मिलेगा मदरबोर्ड को, ये 2-पिन वाला कनेक्शन जो कि डिस्प्ले के लिए यूज़ होता है। SMPS को पावर कनेक्ट कर दिया है। अब हम इस सिस्टम को ऑन करने के लिए जो इसकी पिंस होती है, जो पावर की पिंस होती है, उन पिन को हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर ये जो 2 पिंस है, ये जो आप देख रहे हो इधर से, ये जो 2 पिंस है, इन 2 पिन को टच करने से यहाँ पर पावर आ जाता है और सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा, जैसे ये स्टार्ट हो चुका है। अब इसके बाद भी हमारा यहाँ पर डिस्प्ले नहीं आ रहा है, इसके बाद भी हमारे पास डिस्प्ले नहीं आ रहा है। आप नंबर लॉक की लाइट देख सकते हो, नंबर लॉक की लाइट चालू हो गई लेकिन डिस्प्ले नहीं आ रहा है। अभी तक ये लाइट नहीं आ रही थी, तो एट द एंड यहाँ पर लाइट आ चुकी है। आप देख रहे हो टैप का बटन, अगर आप दबाते हो तो टैप के बटन पर भी लाइट आ रही है, लेकिन डिस्प्ले नहीं आ रहा है। अब इसकी वजह क्या होगी कि डिस्प्ले नहीं आ रहा है, तो वजह मैं आपको बता देता हूँ, जो कि मुझे सिस्टम खोलने के बाद, इस मदरबोर्ड को खोलने के बाद पता चली है। मैं उसके लिए सबसे पहले इसे बंद कर देता हूँ, यहाँ से हम पावर की कनेक्शन निकाल देंगे। सिस्टम को मैं बंद कर देता हूँ और इसे पूरा मैं डीअसेंबल कर देता हूँ। आपको रीज़न पता चल जाएगा कि भाई डिस्प्ले क्यों नहीं आ रहा है, क्या वजह है, क्या प्रॉब्लम है सिस्टम के अंदर। अब आप यही वो मदरबोर्ड है, देखिए सिम्ट्रॉनिक्स का मदरबोर्ड है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, यही वो मदरबोर्ड है जिस पर एंड तक डिस्प्ले नहीं आया और लाइट नहीं आ रही थी, लेकिन जो लास्ट ट्रबल शूटिंग हमने की है मदरबोर्ड खोलकर, उसके बाद लाइट आ चुकी है, बट डिस्प्ले क्यों नहीं आया। जब LED आ चुकी है कीबोर्ड में तो डिस्प्ले आना चाहिए, क्यों नहीं आया वो वजह मैं आपको बता रहा हूँ। इस मदरबोर्ड को मैं आपको टर्न करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पर देखिए आपको जला हुआ हिस्सा दिख रहा है, ये मदरबोर्ड जल चुका है किसी प्रॉब्लम की वजह से। मदरबोर्ड का जो लैन कार्ड है इसमें शॉर्टिंग हुई है, जो लैन की केबल होती है ना जहाँ पे आप कनेक्ट करते हो, इस पोर्ट में शॉर्टिंग हुई है, जिसकी वजह से ये हिस्सा आपको जला हुआ दिख रहा है। मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, तो ये मदरबोर्ड शॉर्ट होने की वजह से डिस्प्ले नहीं आ रहा था। हमने सारी ट्रबल शूटिंग कर ली लेकिन डिस्प्ले नहीं आया। अब एट द एंड जब आप मदरबोर्ड चेंज करोगे तो डिस्प्ले आ जाएगा, क्योंकि कोई एक पार्ट भी अगर ख़राब रहता है आपका SMPS मदरबोर्ड, प्रोसेसर और रैम, इसके अंदर से अगर कोई एक पार्ट भी अगर आपका ख़राब रहता है तो आपका डिस्प्ले नहीं आएगा। तो यहाँ पर मदरबोर्ड ख़राब है, जो कि डिस्प्ले का सॉकेट है ये यहाँ पर शॉर्ट हो चुका है, मदरबोर्ड ही पूरा शॉर्ट हो चुका है। सिर्फ वो इसलिए नहीं दे रहा था कीबोर्ड LED, क्योंकि वो कैबिनेट के अंदर था। मैं कैबिनेट भी आपको दिखा रहा हूँ, देखो
ये जो जला हुआ हिस्सा दिख रहा है आपको, इसके नीचे ये जो मटेरियल लगा हुआ है, ये जो आपको स्पंज के जैसा मटेरियल दिख रहा है, ये इसलिए डाला हुआ है मदरबोर्ड के नीचे ताकि मदरबोर्ड के और कैबिनेट के बीच में शॉर्टिंग ना हो, जो पत्रे के बीच में। तो ये हिस्सा कट जाने की वजह से या यहाँ पर जो शॉर्ट सर्किट हुआ था उसकी वजह से ये हिस्सा जल चुका है और ये यहाँ पर शॉर्ट कर रहा था वो, जिसकी वजह से डिस्प्ले नहीं आ रहा था। देखो मैंने आपको लैन का सॉकेट बताया, यहाँ से भी दिख रहा है, इसकी वजह से आपका डिस्प्ले नहीं आ रहा था जब हमने उसे कैबिनेट से बाहर निकाला। तो ये जो शॉर्टिंग हो रही थी अंदर इस हिस्से के साथ मदरबोर्ड की, जिसकी वजह से कीबोर्ड का लाइट भी नहीं आ रहा था, और जब हमने उसे बाहर निकाल कर कनेक्ट किया मदरबोर्ड पर तो कीबोर्ड का लाइट तो आ गया लेकिन डिस्प्ले नहीं आया। डिस्प्ले इसलिए नहीं आया क्योंकि शॉर्टिंग हो चुकी है, मदरबोर्ड बदलना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको कुछ कुछ पार्ट्स चेंज करके, कुछ क्लीनिंग करके आप ट्रबल शूट कर सकते हो, आपका जो नो डिस्प्ले वाला प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकता है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सिस्टम अगर आपका ओके है, एलईडी में प्रॉब्लम है, तो एलईडी के प्रॉब्लम को कैसे आप सॉल्व करोगे। सो फ्रेंड्स, आपके लिए कौन सा मेथड काम किया वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको किसी तरह की प्रॉब्लम आती है तब भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जो जो टूल्स यूज़ हुए हैं इस ट्रबल शूटिंग में, अगर आप परचेस करना चाहते हो या जो भी मटेरियल आपको लगने वाला है इस ट्रबल शूटिंग में अगर आप परचेस करना चाहते हो, तो उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से खरीद सकते हो। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन और सॉल्यूशंस आपको बताए गए वो आपके जरूर काम आएंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने कुछ दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सपोर्ट करने के लिए डोनेशन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।